हेलो नमक हराम, तेरे राज में वो हराम ज्यादा अर्जुन रनावत एड़ा और मेरे आदमियों को कुत्ते की माफिक तड़पा तड़पा कर मार डाला, और तू सीएम की कुर्सी पर बैठकर अंडे दे रहा, अपने चूल्हे गरम कर रहा तू? नहीं नहीं भाई, वो क्या है कि बीच में मत बोल। अगर तूने उन पुलिस वालों का कोई गेम नहीं किया तो मैं तेरी पूरी नस्ल का गेम कर डालूंगा। मगर भाई वो मैं सुअर की औलाद, अगर 60 करोड़ में मैं सरकार बना सकता हूं तो 60 रुपए की गोली तेरे भेजे में उतार कर तुझे और तेरे पूरे खानदान को खलास कर सकता हूं मैं। क्या हुआ काशी जी, कौन था? बाप था मेरा, मेरी मां का यार था, जफर सुपारी। अबे यशवंत देश पांडे, तुझे पुणे से उठाकर यहां मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया किस वास्ते हैं? अपने बाप की बारात में नाचने के वास्ते? बारात या खैरात में नहीं, पूरे 2.5 खोखे देकर बनाऊ मुंबई का पुलिस कमिश्नर। हेलो सुना कुलकर्णी, ये साला अपने 2.5 खोखे को रोता है। अबे समझा अपने बाप को, वो एनकाउंटर स्क्वाड वाले जफर के आदमियों का गेम बजा डाले, तू क्या भजिए तल रहा था हैं? अब जा, जाके रद्द कर दे एनकाउंटर स्क्वाड, मेरे को बिल्कुल नहीं मांगता ये पुलिस का दस्ता, समझा कि नहीं? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है काशी जी। तो फिर क्या है तेरे हाथ में हैं? बाबा जी का घंटा। अरे मैं क्या इस देश का गृह मंत्री हूं? कहा ना सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इसमें डीजी और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। ऐसे उबलने से काम नहीं होगा, जो कुछ भी करना है सोच समझ के होशियारी से करना होगा। काशी जी, सबसे पहले तो अर्जुन राणावत का, और उससे भी पहले हैदर अली का सोचो। हैदर अर्जुन की आंख और कान दोनों हैं, पूरा मुखबिर नेटवर्क वो हैंडल करता है। हैदर गया तो समझ लो कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। यू आर राइट काशी जी, हैदर का इंतजाम मैं करूंगा, उसकी जात को मुद्दा बनाकर मैं उसके तबादले की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तबादला करो, तबादला, और वो भी जल्दी। हैदर अली, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, तुम्हारी जात की वजह से तुम्हें एनकाउंटर स्क्वाड से निकाला जाता है, तुम अपना चार्ज एसीपी अर्जुन राणावत को सौंप दो। लेकिन क्यों सर? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड और उनके आईएसआई एजेंट्स का पर्दाफाश करने का काम कर रही है, और उनका यह कहना है कि ऐसे में हमारे कुछ ऑफिसर्स का रवैया उन आईएसआई एजेंट्स के साथ नरमी का हो सकता है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि मेरा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं, और इसलिए मैं मुसलमान मुजरिमों का साथ दूंगा? ये देखिए, ये गोलियों के निशान देख रहे हैं आप? ये मुसलमान आतंकवादियों के गोलियों के निशान हैं। मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली मुजरिम से उसकी जात या उसका मजहब नहीं पूछती कि वो हिंदू है या मुसलमान। इस रिपोर्ट से आप मुझे यह जताना चाहते हैं कि मेरी जात, मेरा मजहब, मेरे देशद्रोही होने का प्रमाण पत्र है? हैदर। नहीं अर्जुन, अगर मैं अपना सर काटकर भी इस डिपार्टमेंट के लिए चढ़ा दूं ना, तब भी इन्हें यकीन नहीं होगा कि हैदर अली एक सच्चा हिंदुस्तानी है, एक देशभक्त ऑफिसर है। नो, आई डोंट केयर। नहीं हैदर, मत कर। अली नहीं, नहीं करनी मुझे ये नौकरी अर्जुन। कमिश्नर, हैदर अली वो मुसलमान है जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क, अपने वतन के लिए जान दे सकता है।
ये आपने बहुत गलत किया सर। देशद्रोही की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। सिर्फ मेरा राजपूत या आपका ब्राह्मण होना हमारी देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। ऐसी घटिया कम्युनल सोच सैकड़ों हैदर अली जैसे मुसलमान नौजवानों को इस देश से दूर गलत रास्तों पर ले जाती है। तुम समझते क्यों नहीं, यह फैसला यहां नहीं होम मिनिस्ट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में होता है। अगर हिम्मत है तो जो तुमने मुझसे कहा है वो वहां जाके कहो। यानी पुलिस कमिश्नर के सामने अपने बेल्ट उतारकर पूरे डिपार्टमेंट को गाली देकर निकला तुम्हारा वह बदतमीज जूनियर सही है? और हम सब सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं, क्यों यही कहना चाहते हो ना तुम? अगर आपके सीनियर्स आपको बुला के ये कहें कि क्योंकि आप सरदार हैं आप खालिस्तानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजाब से किया जाता है तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता। सर, जब आपको सिख टेररिस्ट से लड़ने से नहीं रोका गया तो फिर हैदर अली खान को मुसलमान आतंकवादियों और आईएसआई एजेंट से लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? बगैर किसी गवाह या सबूत के सिर्फ जाति को ही शक की बुनियाद मानना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर्म प्रधान है, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, धर्म प्रधान नहीं। सर, हैदर अली खान वो सिपाही है जो अपनी वर्दी पर लाखों पेबंद लगा सकता है मगर दाग कभी नहीं लगने देगा। सालों ने गद्दार तो साबित कर ही दिया है, अब शायद किसी रोज एनकाउंटर में मुझे गोली से उड़ा देंगे। क्या है ये, मेरी गिरफ्तारी का वारंट या फिर एक गद्दार के घर का सर्च वारंट? नहीं, दो पैग और पीने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन खुशी में। क्या मतलब? पढ़कर तो देख। तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया।